आज माननीय जज साहब ने हमें सुबह ही पहला केस सुनने के लिए सुन लिया था, आप अदालत में हाजिर रहे। उसके मुताबिक हम सुबह से ही 10:30 से लेकर अदालत में हाजिर रहे, लेकिन काम ज़्यादा होने की वजह से हमारा केस जो था उसके बाद रजिस्टर हुआ। आज हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने तथ्य रखे हैं कि हमने जो ये रिविजन पटिशन ऑनरेबल कोर्ट में दायर की है और अपने वर्दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का जो हुक्म है जो उन्होंने सेक्शन 144 CRPC के तहत जारी किया है, हम उसको चैलेंज करते हैं। इस रिविजन पटिशन ऑनरेबल कोर्ट का एक बहुत बड़ा सवाल था हमारे लिए कि आप कैसे बताओगे कि ये रिविज़न जो है ये महसूस होता है, यानी कि क्या आपकी रिविज़न सेशन कोर्ट सुन सकती है, क्या के हाई कोर्ट सुन सकती है। तो मैंने उसमें कानून का हवाला देते हुए सेक्शन 93.97 के तहत मैंने ऑनरेबल कोर्ट से दरख्वास्त की कि सेक्शन 397 ऑनरेबल कोर्ट को पूरी पावर्स देता है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को सेट असाइड कर सकता है, सुन सकता है, क्योंकि ऑल दी मजिस्ट्रेट्स जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट्स हैं वो हमारे सेशन जज से इंफीरियर हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट से तो इंफीरियर हैं ही, लेकिन हमारे जितने भी मजिस्ट्रेट हैं जिसमें हमारे DM साहब भी आते हैं वो सेशन जज से इंफीरियर हैं, इसलिए ऑनरेबल कोर्ट हमारी रिविजन सुन सकती है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी पहली दलील को मंजूर किया और हमें हुक्म दिया कि आप आगे कहिए कि अब आपकी जो रिविज़न है आप कैसे बताओगे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर जो है वो गलत है, इलीगल है। तो मैंने उसमें सबमिशन किया कि अगर तो हमारी रिविज़न आज ही डिसाइड होनी हो तो मैं इसमें पूरे तथ्य रखने को तैयार हूँ, लेकिन चूंकि अभी तक प्रोसिक्यूशन जो है उन्होंने अपना रिकॉर्ड पेश नहीं किया है, तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी जो रिविज़न है वो काबिल समाइत है। किस लिए काबिल समाइत है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने जो अपना ऑर्डर किया है उसमें टाइम बिल्कुल नहीं लिखा है। उस ऑर्डर में ऐसा नजर आता है जैसा कि मेरा जो क्लाइंट है वो पूरी जिंदगी जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि कानून में लिखा है कि 144 की जो जिंदगी है उसकी 2 महीने जिंदगी है और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने जिंदगी है। लेकिन अगर DM साहब ने उसमें ये लिखा ही नहीं कि मेरा ऑर्डर जो है वो 2 महीने तक चलेगा या 6 महीने तक चलेगा, तो एक आम आदमी के दिल में ये बात आती है कि ये ऑर्डर तो मेरी सारी जिंदगी के लिए आ गया। तो मैंने ऑनरेबल कोर्ट से कहा कि ऐसे ऑर्डर पास करना जिसमें कानून में लिखा हो कि टाइम लिखना लाजमी है, इन्होंने टाइम नहीं लिखा, इसलिए ये उनका ऑर्डर इलीगल है। उन्होंने कहा और बताइए और क्या बात है जिससे ये इलीगल साबित होता है। मैंने कहा कि ये इसलिए भी इलीगल है कि मैं एकदम जम्मू कश्मीर की हदूद में नहीं आया, मैंने अपना टूर प्रोग्राम दिया था जम्मू कश्मीर सरकार को, उन्होंने मेरा प्रोटोकॉल सेट किया। अगर इनको इतनी अप्रिहेंशन थी तो DM साहब मुझे नोटिस दे सकते थे, प्रायर नोटिस कि आपको जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं आना है, आप वहीं पे रुक जाइए, तो मैं अपना टूर जो कैंसिल करता, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया, इसलिए भी ये ऑर्डर दिल्ली। तो सर जो नेक्स्ट हियरिंग है वो कितनी बड़ी है मैं बताता हूँ। तो इसलिए सबसे बड़ी जो हमारी आज की बात थी वो यही थी कि हमारी जो रिविजन है एक तो काबिल समाइत हो और दूसरी ऑनरेबल कोर्ट को सुनने की पावर्स हो, ये दोनों बातें आज हमारी माननीय जज साहब ने मान ली है। अब इसमें था कि आज ही हमें कोई रिलीफ मिलती, मैंने ऑनरेबल कोर्ट से ये भी कहा कि जनाब मामले को देखते हुए और मेरे क्लाइंट की उम्र देखते हुए और मौसम का तकाजा है कि ये मेरा केस आज ही 3 बजे सुना जाए। उन्होंने कहा कि अदालत के पास और भी तो काम होते हैं, सिर्फ यही एक केस नहीं है और आने वाले दिनों में छुट्टियां भी आ रही हैं, तो इसलिए हम जल्दी में नहीं ये केस फिक्स कर सकते, हम इसमें सफिशेंट टाइम देंगे सरकार को कि सरकार अपना पक्ष रखे। तो उसके लिए उन्होंने 14 नवंबर का टाइम फिक्स कर दिया कि 14 नवंबर को इस पिटीशन को फाइनली सुना जाएगा कि आया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर काबिल रफ्तार है कि नहीं, क्या चलने के काबिल है कि नहीं, अगर ये ऑर्डर गलत है तो इसको क्यों ना क्वेश किया जाए, इसलिए इसको 14 तारीख के लिए फिक्स कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है जो मैं कहना शुरू से कहता आया हूँ कि हमारी जो पिटीशन है ये काबिल रफ्तार है और जज साहब के सामने जो हमने आज तथ्य रखे हैं, जो हम आगे भी तथ्य रखेंगे, जो आगे भी कानून पेश करेंगे, हमने रामलीला मैदान वाला केस आज ही साइड कर दिया कि जो रामलीला मैदान वाला केस 2012 में हुआ था उसमें अदालत ने साफ तौर पर लिखा था
कि किसी को भी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, चाहे पब्लिक है, हर किसी को उसके दायरे में रहना है। लेकिन नसीहत भी दी थी कि जितने भी मजिस्ट्रेट्स हैं, ऑर्डर पास करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि पब्लिक को किसी किस्म का नुकसान ना हो। तो ये बातें ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी मानी है और हमारा जो केस है वो काबिले रफ्तार हुआ, काबिले सुनवाई साहब बताएंगे। तो 14 तारीख को ये फाइनली सुना जाएगा। वकील साहब बताएंगे कि जो आपके क्लाइंट हैं अब उनका अगला रुख क्या रहे। देखिए, मैं एक वकील हूँ, एक पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैंने एज ए वकील अपना पक्ष जो है अदालत के सामने रखा है। अदालत ने, जो कि हर एक केस में होता है, आम पब्लिक को ऐसा लगता है कि आज हमने रिट लगाई, क्योंकि आप लोग पिक्चरों में देखते हैं उसी वक्त फैसला हो जाता है, कत्ल केस का फैसला एक दिन में। हमारी अदालतों में ऐसा नहीं होता है, अदालतें दोनों पक्षों को सुनती हैं, इसलिए अदालत ने सफिशेंट टाइम दिया है दोनों पक्षों को। हम भी इसमें तैयारी करेंगे, उन्होंने भी तैयारी करनी है, इसको हम देख के चलेंगे। जो आपका ये सवाल है कि मेरे क्लाइंट को क्या करना है, वो मैं अपने क्लाइंट के साथ बैठ के